टीवी देखता है इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आईवी टीवी और मैं हूं आपके साथ शिशिर श्रीवास्तव। यूपी के बाद अब बिहार में वायरल फीवर फैल रहा है और ज्यादातर बच्चे इसके चपेट में आ रहे हैं। दरअसल बिहार में जानलेवा वायरल बुखार का फैलाव और तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। वायरल के चपेट में आने वाले बच्चे निमोनिया के साथ साथ फेफड़े के संक्रमण, ब्रोंकाइटिस जैसे गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सांस लेने में उन्हें परेशानी हो रही है, लिहाजा ज्यादातर बच्चों को ऑक्सीजन सपोर्ट कर रखना पड़ रहा है। पटना के सरकारी अस्पताल से लेकर प्राइवेट अस्पतालों तक में अब इलाज के लिए एडमिट बच्चों की तादाद और बढ़ गई है। एक आंकड़ों के मुताबिक पटना के जिन अस्पतालों में बच्चों का इलाज चल रहा है उनमें तकरीबन 40 से 50 फीसदी बच्चे इसी तरह की बीमारियों से पीड़ित हैं। नीको और पीकू वार्ड में भर्ती बच्चों को ऑक्सीजन देना जरूरी हो गया है। पटना के अलावा अन्य जिलों में भी वायरल बुखार और ब्रोंकाइटिस से पीड़ित बच्चों की तादाद बढ़ रही है। मुजफ्फरपुर में वायरल बुखार और ब्रोंकाइटिस से 107 बच्चे पीड़ित बताए जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर के SKMCH के ICU में अभी 80 बच्चे इस बीमारी से पीड़ित होकर एडमिट हैं। 102 बेड वाले पीकू में फिलहाल 107 बच्चों का इलाज चल रहा है। ब्रोंकाइटिस से पीड़ित ज्यादातर बच्चों को ऑक्सीजन पर रखा गया है। पिछले 24 घंटे में वायरल बुखार से पीड़ित 30 बच्चों को एडमिट किया गया है। राजधानी के PMCH में 131 बच्चों में से 68 बच्चों का इलाज निमोनिया और सांस लेने की तकलीफ से जुड़ी बीमारियों का हो रहा है। उधर NMCH के पीकू और नीकू में एक भी बेड खाली नहीं है। शिशु रोग विभाग के 87 बच्चों का इलाज चल रहा है। पटना के IGIMS में कुल 71 बच्चे एडमिट है। 45 बच्चे नीकू पीकू ICU में ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम पर रखे गए हैं। तो इसे जानलेवा वायरल बुखार को लेकर डॉक्टर खुद परेशान हैं। डॉक्टरों की माने तो ज्यादातर बच्चों को अस्पताल में तब लाया जा रहा है जब उन्हें सांस फूलने की तकलीफ हो रही है। वायरल बुखार का कहर पिछले 15 दिनों में रफ्तार के साथ बढ़ा है। बिहार का शायद ही कोई ऐसा इलाका है जहां वायरल बुखार से बच्चे पीड़ित नहीं हैं। छपरा के अमनोड़ में वायरल बुखार से 3 दिनों के अंदर 3 बच्चों की मौत के बाद वहां मेडिकल टीम कैंप कर रही है। मेडिकल टीम ने इस इलाके में वायरल बुखार से पीड़ित बच्चों का सैंपल लिया है और अब उसकी जाँच विशेषज्ञ करेंगे। उधर गोपालगंज में भी वायरल बुखार से पीड़ित बच्चों की तादाद लगातार बढ़ रही है। यहाँ लगभग 300 बच्चे वायरल बुखार से पीड़ित बताए जा रहे हैं। उधर पटना एम्स में शिशु रोग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर लोकेश तिवारी ने कहा है कि बच्चों में वायरल संक्रमण का प्रकोप बढ़ने का मुख्य कारण अज्ञात वायरस ही है। राज्य के दूर दराज के जिलों में अचानक इसका प्रकोप बढ़ने लगा है। बच्चों के इलाज में देरी होने से सांस की नली में जकड़न, फेफड़े के संक्रमण जैसी समस्या बढ़ती ही जा रही है। वायरल फीवर का कहर बच्चों में बहुत देखने को मिल रहा है। अब आगे ये देखना होगा कि इसका इलाज कैसे होता है, कहीं ये कहीं नई बीमारी तो नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी के साथ देखते रहे IV TV। हम YouTube पे सब्सक्राइब करें, Facebook पे लाइक करें और Twitter पे फॉलो करें। धन्यवाद।